मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गणेशपुरा स्थित शिक्षा विभाग के बीआरसी कार्यालय में चोरों ने धावा बोलकर एक लैपटॉप, 6 टैबलेट और कई सरकारी फाइलों की चोरी की। चोरों ने फाइलों के साथ भी छेड़खानी की, जिससे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चोरी की इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौका स्थल पर पहुंच गई। यह घटना तब सामने आई जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कार्यालय खोला और चोरी की सूचना प्राप्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो नाम क्या है? बना देवेंद्र सिंह तोमर, बीआरसी। सर, कार्यालय में आज चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है? जी, मैं जैसे सुबह आया तो क्या है, मैंने देखा कि शटर नीचे से उन्होंने खींच के निकाली तो उसमें ईंट फंसा रही थी, वहाँ से वो घुसे हुए थे। तो मैंने देखा ये कूलर खुले हुए पड़े हैं, फिर मेरी यहाँ से देखे मेरी निगाह डर गई तो उसका लॉक टूटा हुआ था, लेकिन सेंटर लॉक वो लगा हुआ था, वो तोड़ नहीं पाए थे। फिर वो नीचे किवाड़ फाड़ के नीचे से घुसे हैं, तो मैंने जाके देखा कि ये अलमारी खुली हुई है, तो मैंने तुरंत इनको फोन लगाया, तो इन्होंने सेंटर लॉक खोला तो हम लोगों ने कुछ फोटो भी लिए थे अपनी तरफ से, तो ये सब मिला उसमें 6 लैपटॉप और 6 टैबलेट और एक लैपटॉप चला गया है। कुल कितनी कीमत होगी? अब कितनी कीमत होगी, कुल कीमत कितनी होगी सब चीज़, सब सामान लगभग 120 और 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख रुपये का सामान चोरी। अभी थाने को सूचना कर दी? अब मैं FIR कराऊंगा अभी। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।